हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवी लाइफस्टाइल। ये इस चैनल का थर्ड वीडियो है एंड ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो गेमर्स हैं, जो एडिटिंग करते हैं, रेंडर करते हैं अपने वीडियोस को और लैपटॉप हीट होता है। एक्चुअली जितने भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, जैसे मैंने ये MSI वाला अपना लैपटॉप लिया है, गेमिंग लैपटॉप, तो इसमें कूलर बूस्टर 5 है। इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर सिंक पाइप्स होते हैं, डुअल फैन होते हैं, तो लैपटॉप को ठंडा रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती और कोई थ्रॉटलिंग नहीं होती है। मतलब जब ज़्यादा हैवी गेम खेलोगे कि लैपटॉप हीट हो गया, थ्रॉटलिंग हो गई, परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है, ये सब इस लैपटॉप में इतना नहीं होता है। मतलब होता ही नहीं है फिलहाल, अभी तक तो नहीं हुआ है। बट आज से एक साल पहले मेरे पास HP वाला लैपटॉप था। एक्चुअली लैपटॉप की स्पेक्स काफ़ी अच्छी थी, कोर i7 था, NVIDIA 920 था, जिसमें GTA 5 जैसे टाइटल्स इजिली चल जाते थे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती थी कि उसमें सिंगल फैन था और सिंगल फैन होने की वजह से वो हीट बहुत ज़्यादा होता था। इस वजह से कभी कभी उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती थी, बिकॉज ओवर हीटिंग होने लगती है लैपटॉप में, तो लैपटॉप अपने आप परफॉर्मेंस गिरा देता है। तो बेसिकली जिनके पास भी ऐसा लैपटॉप है जिसमें सिंगल फैन है, उनके लिए ये वीडियो है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप ऐसे कूलिंग पैड यूज़ करते हो, जैसे मेरे पास ये वाला कूलिंग पैड है, तो सच बताऊँ तो यार इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने टेम्परेचर गन से एक बार चेक किया था, 1 डिग्री भी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था। बट एक चीज़ जो मैंने यूज़ करी और एक साल पहले से मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, अब तो नहीं यूज़ करता हूँ बिकॉज नया लैपटॉप ले लिया। तो मेरी टेबल पर देखो आप सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, आज हम ये वाला प्रोडक्ट उठाएंगे। एंड इस बॉक्स पे आप देख सकते हो लिखा है टैरकन क्वाइट लैपटॉप वैक्यूम कूलर। तो मैं एक चीज़ फिलहाल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने कूलिंग पैड भी यूज़ किया, बट कूलिंग पैड से मुझे कुछ खास अंतर पता नहीं चला लैपटॉप में। और जिसने मेरा काम संभाला, जिसने कारोबार संभाला मेरा पूरा, वो इसने संभाला। और ये प्रोडक्ट सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले ही बता देता हूँ, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं कर रहा हूँ मैं। जितने प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ कर चुके हैं, मतलब ये आप देख सकते हो पूरा ढेर लगा रखा है यहाँ पे, तो वही सब आपको बताऊंगा जो आपके लिए यूज़फुल होगा। चलो इसको जल्दी से खोल के दिखा देते हैं, इस बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर मेन ये कूलर है, ये है लैपटॉप के लिए वैक्यूम कूलर। और जिनके पास भी लैपटॉप है जिसमें सिंगल फैन है, वो इसको यूज़ कर सकते हो और मैं गारंटी देता हूँ कि रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सच में बहुत तेज़, बहुत अच्छा काम करता है। और आपको ये केबल मिल जाएगी एक, जिसको हमें इसमें प्लग इन करना है, जिससे ये लैपटॉप से अटैच हो सके। और इतने टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया, मैं भूल ही गया पोर्ट कहाँ था इसका। उसके बाद ये केबल आपको लैपटॉप में लगानी है। तो यहाँ पे एक बटन दे रखा है जिससे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो इसकी। और दूसरी चीज़, इसी से आप उसको पावर ऑफ और ऑन कर सकते हो। तो इस टाइम आप देख सकते हो लाइट जल गई, तो यहाँ से ये जो हॉट एयर है वो सक करेगा और इधर से एग्जॉस्ट है, मतलब बाहर निकाल देगा। बाइक वाला एग्जॉस्ट नहीं है, ये लाइफस्टाइल वाला चैनल है, रिमेंबर। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि इसके साथ में आपको एक छोटा सा ये रबर माउंट मिल जाता है, तो इसको इसके पीछे अटैच कर देना है सिंपली, जो कि बहुत ही इजी तरीका है। हो गया, उसके बाद आपको अपना लैपटॉप खोलना है। इतना तो मतलब बेसिक चीज़ है मुझे लगता है। उसके बाद जहाँ पे आपका फ़ैन है, जहाँ पे आपकी हवा निकलती है, जो रबर वाला पोर्शन है जहाँ से ये हवा सक करेगा, वहाँ पे प्लग इन कर दो। तो हमने इस जगह पे लगा दिया, अपना काम शुरू कर दिया। कोई बड़ा टाइटल खेल के देखते हैं, और मैं मतलब सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा काम करने वाला है। साथ में ये एक क्या कह सकते हैं, एक साइलेंसर भी आपको मिल जाएगा, मतलब इससे जो अभी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है वो भी एकदम बंद हो जाएगी। आप देख सकते हो इसको भी प्लग लगा सकते हो, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके बिना ज़्यादा अच्छा काम करता है मुझे ऐसा लगता है ये। तो चलो GTA 5 खोलते हैं फिलहाल के लिए लैपटॉप में। तो हमारा गेम लोड हो रहा है, हमारा GTA 5 लोड हो रहा है यहाँ पे। और आपको मैं आवाज़ सुना देता हूँ कितनी तेज़ आ रही है, कितनी तेज़ ये मतलब वैक्यूम काम कर रहा है, कितना अच्छे से। और मुझे लगता है आपको आवाज़ आ रही होगी, आप आवाज़ सुन सकते हो। और सच में हवा बहुत तेज़ आ रही है, मतलब कोई कागज़ होता तो मैं आपको दिखाता कि कितनी तेज़ हवा आ रही है। और यहाँ पे हमारा गेम खुल चुका है, चल रहा है। तो खैर गेम की बात करें तो गेम सुपर स्मूथ रहता है इस लैपटॉप में, मतलब एकदम मक्खन की तरह चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आपके पास 2 फैन वाला लैपटॉप भी है, तो कभी कभी मैं इसको अपने 2 फैन वाले लैपटॉप में भी यूज़ करता हूँ। मतलब आप अपने CPU को एटलीस्ट कूल डाउन रख सकते हो, बिकॉज GPU पे इतना लोड नहीं रहता है मैक्स ऑफ द टाइम। जब तक बहुत ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव गेम नहीं खेलोगे तब तक मोस्टली लोड CPU पर रहता है, और CPU वाला पार्ट ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाया जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 999 का है ये। सो या इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, ब्लॉग ही कहने की आदत पड़ी है, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं बेसिकली। इंस्टाग्राम हैंडल एक्सप्लोर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, एंड AV लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।